Jai Hind Defence aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, kindly join our Telegram channel whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So, guys, today's topic is about Israel-Palestine conflict, which is going on. So, let's get started. So, see, before discussing this article, let's discuss the background of Israel and Palestine. So. देखो थ्रू आउट द हिस्ट्री वेरियस कंट्रीज़ में ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार होते आए हैं उनके रिलीजियस बिलीफ के कारण हिटलर ने जो लार्ज नंबर ऑफ़ ज्यूज़ को मरवाया था कंसंट्रेशन कैंप में अराउंड सिक्सटी लाख के अराउंड ज्यूज को मरवाया गया था हिटलर के द्वारा हमें ज़्यादा यह पता है कि जर्मनी में ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार हुआ है लेकिन सिर्फ जर्मनी में हुआ है ऐसा नहीं है रशिया और भी और अर्जेंटीना और भी काफी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ज्यूस के ऊपर अत्याचार हुआ था तो नाइनटीन सेंचुरी के लास्ट में 1897 के आसपास एक मूवमेंट ज्यूस के द्वारा चलाई गई मूवमेंट का नाम था जियोनिज्म जियोनिज़्म जो थी देखो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी बिकॉज वेरियस कंट्रीज़ में ज्यूस के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो उन्हें यह लगता था कि ज्यूस का भी एक अपनी एक कंट्री होनी चाहिए जहाँ पर ज्यूस जो है रह सके सेफली और उन पर कोई अत्याचार ना कर सके तो इसी ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए यह मूवमेंट चलाई गई थी जियोनिज्म इस मूवमेंट के अंदर जो इजरायली डायस्पोरा था वेरियस कंट्रीज में उन्हें बोला गया था आप पेलस्तीन रीजन में आए और ज़मीन खरीदिए और सेटल हो जाइए तो अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि यहीं पर क्यों सेटल होना और कहीं क्यों नहीं बिकॉज इस रीजन की उनके लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी तो जियोनिज़म मूवमेंट के चलते लार्ज नंबर में जियोज यहाँ पर आके रहने लग गए और सेटल होना स्टार्ट हो गए लेकिन देखो प्रॉब्लम यह थी कि यहाँ पर भी ऑलरेडी लोग रहते थे ना तो अब लोग जो वहाँ रहते थे पैलेस्टीन में उनको प्रॉब्लम होने लग गई और लोग कहते थे कि पैलेस्टीन जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री कभी भी नहीं था ज्यूज़ यहाँ पर सेटल डाउन होना शुरू हो गए तो नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा एरिया कौन सा एरिया जो आपको मैप में दिख रहा है ये पूरा एरिया जो है ब्रिटेन के अंडर आ गया एज अ कॉलोनी बाद में एक और डिक्लेरेशन हुआ बैल्फोर डिक्लेरेशन इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने इस चीज को मान लिया कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है ज्यूस को रहने दिया जाए और उनके मानने के बाद जब उन्होंने ये मान लिया ना कि ज्यूस का ये एक अपना होमलैंड लैंड इस्टेब्लिश होगा या फिर ज्यूस जो है वो अपना होमलैंड लैंड इस्टेब्लिश कर सकेंगे तो अब जो क्या हुआ कि अब जो ज्यूस थे वो और ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे आके रहने लगे बिकॉज़ ये रीजन जो था वो ब्रिटेन के अंडर आता था और जब ब्रिटेन के ही सेक्रेटरी ने कह दिया तो लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वो हो गई कि ठीक है कि अब हम वहाँ सेफली रह सकते हैं उसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूस आके रहने लग गए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम सबको पता है कि हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में ज्यूस को मरवाया था लार्ज नंबर में तो फिर ज्यूस जो है वो लार्ज नंबर में अपनी जान बचाकर आने लगे जो ऑलरेडी लोग रहते थे उनके साथ लड़ाई होना शुरू हो गई ज्यूस की बिकॉज वो तो नहीं चाहेंगे कि बाहर से लोग आए और अपनी कंट्री बनाए तो लड़ाई काफ़ी बढ़ गई थी और नेबरिंग कंट्रीज जैसे इराक सीरिया भी अगेंस्ट था वो कहते थे यहाँ तो मुस्लिम रहते हैं और बाहर से ज्यूस आ रहे अपनी कंट्री बना रहे हैं हम कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के बाद क्या हुआ जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन फ्रांस अपनी अपनी कॉलोनीज को छोड़ जाने लगा तो जब ब्रिटेन इस रीजन को छोड़ जाने लगा तो उन्होंने इस इशू को यूनाइटेड नेशन को दे दिया और उनको बोला कि आप सॉल्व कीजिए तो यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इस रीजन में दो कंट्री बनेगी एक फेलस्तीन और एक इसराइल एक मुस्लिम के लिए एक ज्यूज के लिए तो यूनाइटेड नेशन ने ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया नाइनटीन के अराउंड तो इसरा तेल ने तो इसे मान लिया था बिकॉज इसराइल यही चाहता था कि उनका खुद का एक होमलैंड हो और उनको एक खुद का होमलैंड मिल गया लेकिन अरब कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन के इस रेजोल्यूशन को नहीं माना तो आसपास के अरब कंट्रीज़ जैसे सीरिया इराक़ एंड इजिप्ट उन्होंने अटैक कर दिया इसराइल पर तो लड़ाई शुरू हो गई अरब कंट्रीज़ और इसराइली के बीच देखो इसराइल ये वॉर जीत गया उसके बाद फिर से लड़ाई हुई नाइनटीन में इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच वो वॉर भी इसराइल जीत गया तो जब नाइनटीन में इसराइल वॉर जीता तो काफ़ी सारे एरियाज़ पर इसराइल ने कब्जा कर लिया जैसे गोलन हाइट्स सीरिया से ले लिया इजराइल ने वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जीरोसलम वो कैप्चर किया इजराइल ने जॉर्डन से 1967 में उसके बाद सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से ले लिया था इजराइल ने 1967 के वॉर के बाद तो बाद में 1969 में इजराइल एंड इजिप्ट के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ तो फिर सिनाई पेनिनसुला को वापस दे दिया गया इजराइल के द्वारा इजिप्ट को गाजा स्ट्रिप इस पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया लेकिन 2005 में इसराइल अपनी फोर्सेस वापस लेके गया और अब गाजा स्ट्रिप जो है वो पेलेतीन के अंडर है देखो मैप से आपको अच्छे से समझ आएगा 1947 से पहले ये पूरा ग्रीन पार्ट पैलेस्टीन का हुआ करता था और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बाद ये ग्रीन पार्ट पैलेस्टीन और वाइट पार्ट इसराइल का हो गया लेकिन आगे वॉर होती गई इजराइल ग्रीन पार्ट को कैप्चर करता वाइट मतलब जो इजराइल है वो क्या कर वो क्या करता गया वो धीरे धीरे जो है वो कैप्चर करता गया ग्रीन पार्ट को और उसके बाद क्या हुआ कि पेलस्तीन और इज़राइल ने में जो वो था ना कि कितना एरिया है तो अब आप देख सकते हो कि पेलस्तीन कितना कम रह गया और इसराइल कितना ज़्यादा हो गया तो ये था बैकग्राउंड जो हमने अभी डिस्कस किया है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल तो इसराइल जो कि पेलस्तीन के टेरिटरी पर अपना इस्टेब्लिशमेंट इंक्रीज करता जा रहा है तो इससे पेलस्तीन के लोगों में ऑलरेडी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी उसके बाद अल अक्सा मस्जिद का इंसिडेंट हो गया और न्यूज़ आई उसके बाद कि ईस्ट जेरुम जो ईस्ट जेरोसलम है ना वहाँ से कुछ अरब फैमिलीज़ को इसराइल द्वारा बाहर निकाला जा रहा है उसके बाद एकदम से क्लासेज स्टार्ट हो गए और जो गाजा स्ट्रिप है उस पर एम्बार्गो लगा रखा है इसराइल द्वारा बाहर से सामान नहीं मंगवाया जा सकता और जो ये लोग यहाँ रहते हैं वो ऑलमोस्ट ट्वेंटी लाख के अराउंड लोग रहते हैं और ये काफ़ी कंजस्टेड प्लेस है तो इन लोगों को जो है ये इसराइल पर डिपेंड रहना पड़ता है और इस ट्रिप को कंट्रोल किया जाता है इसराइल के द्वारा मतलब इसराइल के द्वारा कंट्रोल कैसे क्योंकि इसराइल के ऊपर निर्भर है ये लोग समान आ, के लिए बट वैसे बेसिकली यहाँ पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है हमास की ओके okay. तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ना फेलस्तीन के लोगों में उसको बढ़ाया गया हमास के द्वारा और हमास ने क्या किया हमास ने रॉकेट से अटैक करना शुरू कर दिया इसराइल के सिविलियन सेंटर्स के ऊपर तो क्लाशेज चल रहे हैं तो इसराइल फोर्सेस के द्वारा एक तरफ एयर स्ट्राइक की जा रही है और दूसरी तरफ हमास के द्वारा जो है रॉकेट से अटैक किया जा रहा है इसराइल के ऊपर तो उसके बाद क्या हुआ इसके अलावा भी जो है इन क्लाशेज जो ये क्लाशेस चल रहे हैं ना इन क्लाशेस की वजह से सौ से ज्यादा फेलेन लोगों की डेथ हो गई और दस के आसपास पास इसराइल के लोगों की डेथ हो गई दूसरी तरफ देखो इसराइल में सिर्फ ज्यूस नहीं रहते बहुत सारे अरब के लोग भी रहते हैं इसराइल में तो इसराइल के अंदर भी एक राइट शुरू हो गया है जो राइट विंग के जूस हैं और अरब लोगों के बीच तो कहीं कहीं पर ज्यूस का ग्रुप अरब के लोगों को निशाना बना रहा है और कहीं कहीं पर अरब के लोग जूस के लोगों को निशाना बना रहे तो ये एक ऐसा राइट शुरू हो गया है इजराइल के अंदर तो इजराइल के जो पास दो जगह प्रॉब्लम फेस की जा रही है एक तो इंटरनल राइट और एक हमास के द्वारा किया गया अटैक ओके तो पिछले 5 दिनों में हमास ने अराउंड 1800 रॉकेट्स को छोड़ा है इजराइल के ऊपर ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही रोक दिया गया इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के द्वारा लेकिन बहुत सारे रॉकेट जो है इसराइल में आ गिरे जिससे कुछ लोगों की डेथ भी हो गई तो इसराइल का कहना यह है कि हम जो है इसराइल मतलब हम से बदला लेंगे ओके बट बात क्या है ऐसा इसराइल ने 2014 में भी कहा था और ये कहा था कि हम जो है हमास से बदला लेंगे हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ देंगे लेकिन सात साल हो गए उस बात को वो 2014 की वॉर सेवन वीक्स के अराउंड चली थी बहुत सारे लोगों की जाने भी गई थी लेकिन उस टाइम भी इसराइल पूरी तरह हमास को खत्म नहीं कर सका था तो इजराइल को पता है हमास को खत्म करना इतना इजी तो नहीं है कुछ कंट्रीज ने कहा जैसे यूएसए एंड जर्मनी कि इजराइल के पास पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का बट वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है तो जल्द से जल्द एक सीज फायर की नीड है ताकि दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो सके अगर सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया तो काफी निर्दोष लोगों की जान जाएगी तो मेजर कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की उनको प्रेशराइज करना चाहिए दोनों साइड को सीज फायर साइन करने के लिए सो गाइज दैट वॉज ऑल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एस एस पी सक्सेस थैंक यू गाइज बाय टेक केयर